हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज यूनिट। यूनिट का अर्थ होता है एकम। मैं अगर आपको ये कहूं कि कोई भी अगर क्वांटिटी है उसको आपको मेजर करना है, वी रिक्वायर सम रेफरेंस स्टैंडर्ड, और वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट। यानी कि कोई भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेंथ को मेजर करना है, मुझे लंबाई नापनी है। मुझे अगर लंबाई नापनी है तो मुझे यहां पे दो चीज चाहिए। एक होगा मेरा यहां पे नंबर, दूसरा होगा मेरा यहां पे यूनिट। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर, तो 100 इज ए नंबर एंड यूनिट इज मीटर। दिस यूनिट मीटर इज मल्टीप्लाई 100 टाइम टू मेजर दिस लेंथ। तो इन ए नटशेल हम लोग बोलेंगे यूनिट की जरूरत कब पड़ेगी। तो आई कैन से टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर यूनिट। कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। वो क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया लेंथ का, वो क्वांटिटी लेंथ हो सकती है, वो क्वांटिटी मास भी हो सकती है, वो क्वांटिटी टेम्परेचर हो सकती है, वो क्वांटिटी डेंसिटी हो सकती है, फोर्स हो सकती है, प्रेशर हो सकती है, वर्क हो सकती है, पावर हो सकती है, एनी डैम फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस की, इंजीनियरिंग के कैलकुलेशंस की बात करें तो विदाउट यूनिट वी कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग। से फॉर एग्जाम्पल, मुझे पावर पे कैलकुलेट करना है कितना पावर यहां पे कंज्यूम होगा, मेरे ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कितनी एफिशिएंसी है। ओके, मुझे कुछ भी कैलकुलेट करना है, मुझे यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो आपको यूनिट में पता नहीं चलता तो आगे जाके सारे इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस आपको डिफिकल्ट लगेंगे। वहां पे चांसेस है यू कैन मेड मिस्टेक, क्योंकि यूनिट अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी क्वांटिटी का मेजरमेंट कंप्लीट नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमको यूनिट के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। बेसिकली इन जनरल अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट। फिजिक्स इज नथिंग बट इट इज साइंस बेस्ड अपॉन स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एक्जैक्ट मेजरमेंट। यहां पे मैंने लिखा एक्जैक्ट मेजरमेंट। एक्जैक्ट मेजरमेंट मतलब विदाउट यूनिट वी कैन नॉट मेजर एनीथिंग, हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। ओके, इसीलिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पे बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, व्हाट इज मैटर ऑल अबाउट। मैटर इज नथिंग बट एनी सब्सटेंस, एनी थिंग विच हैज ए मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास मास है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है उसको हम लोग बोलेंगे मैटर। अ मैटर कैन बी ए सॉलिड, अ मैटर कैन बी ए लिक्विड, अ मैटर कैन बी ए गैस। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, अब हम लोग व्हाट इज यूनिट वो अगर हम लोग देखें यहां पे, तो फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी वी रिक्वायर सम रेफरेंस स्टैंडर्ड। दिस रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। यहां पे फ्रेंड्स जिक्र किया है रेफरेंस स्टैंडर्ड का। रेफरेंस स्टैंडर्ड उसका मतलब क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिखूं 1 मीटर। अब 1 मीटर जब किसी ने फाइंड किया होगा तब उसने कोई ऐसी चीज का रेफरेंस दिया होगा कि भाई इसको हम लोग बोलेंगे 1 मीटर, तब जाके मीटर का वहां से इवोल्यूशन होगा। नाउ फ्रेंड्स, द मैग्निट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन इन द गिवन क्वांटिटी। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मुझे मेजर करना है लेंथ। अगर मैं लेंथ को मेजर करूं और लेंथ की मेरी वैल्यू है 100 मीटर, तो ये मीटर इज ए यूनिट एंड दिस 100 इज ए नंबर, यानी कि दिस इज कॉल्ड नंबर एंड मीटर इज कॉल्ड यूनिट, बट दिस यूनिट इज मल्टीप्लाई 100 टाइम्स। ओके, तब जाके ये लेंथ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि उसका कद कितना बड़ा कितना छोटा, वो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा।
नाउ फ्रेंड्स, देर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए? सो सबसे पहले द यूनिट शुड बी वेल डिफाइंड। जो हमारा यूनिट है वो परफेक्टली डिफाइंड चाहिए, बाद में कोई भी कंफ्यूजन वहां पे होना नहीं चाहिए। द यूनिट शुड नाइदर बी टू स्मॉल नॉट टू लार्ज। यूनिट बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ओके उसके रेफरेंस में अगर मैं आपको बात करूं कि यहां से अहमदाबाद कितना दूर है, मान लो वडोदरा से अहमदाबाद कितना दूर है, ओके तो मैंने यहां पे डिस्टेंस की बात की। मैं यहां पे लिखूंगा यहां से अहमदाबाद 100000 मीटर दूर है। ओके मैंने यहां पे लिखा 1 लाख मीटर दूर है। अगर मैं यहां पे लिखूं 100000 सेंटीमीटर यहां से दूर है, तो शायद आपको ऐसा लगेगा कि समझने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इवन सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसकी जगह मैं अगर ये बोलूं यहां से अहमदाबाद 100 किलोमीटर दूर है, तो ओके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 किलोमीटर, यू कैन विजुलाइज इट। ओके कहने का मतलब यह है कि यहां से अहमदाबाद का जो डिस्टेंस है, अगर हम लोग उसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करें, किलोमीटर इज अ लार्जर यूनिट देन सेंटीमीटर। ओके अगर मैंने सेंटीमीटर यूज किया तो यू आर कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उसकी जगह मैंने किलोमीटर यूज किया तो वहां पे आपको ऐसा लगेगा ओके 100 किलोमीटर मस्त इतना। कहने का मतलब जैसी हमारी क्वांटिटी होगी उस तरह से हम लोग उसका यूनिट यूज करेंगे। अगर क्वांटिटी मेरी बड़ी होगी तो मेरा यूनिट बड़ा होगा, क्वांटिटी अगर छोटी होगी तो मेरा यूनिट वहां पे छोटा होगा। नाउ फ्रेंड्स, जो भी यूनिट है विच इज नाइदर चेंज विथ टाइम नॉर चेंज विथ फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर है, टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ गया आपका यूनिट चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका यूनिट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। देन द यूनिट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। हमारा जो यूनिट है वो यूनिट इजिली रिप्रोड्यूसिबल हम लोग कर सके ऐसा होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 मीटर तो उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखू, आई कैन रिप्रोड्यूस दिस यूनिट इन अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके उसके बारे में हम लोग यही सेशन में आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स, हम लोग शुरुआत हमने किया था क्वांटिटी से, हमने शुरुआत किया था क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मुझे यूनिट की जरूरत पड़ेगी। अब ये क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वन इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे वन फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड वन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटी को यूज करने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। दूसरा फ्रेंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम लोग बेसिक क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। बेसिक क्वांटिटी जो हमारा बेस है जिससे प्रेरित होके या जिसको यूज करके हम लोग जो भी क्वांटिटी बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। क्लियर? अगर मैं यहां पे ये बोलूं आपको कि लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस फोर आर यू कैन से बेसिक क्वांटिटी। अगर मैं यहां पर लिखूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। अगर फ्रेंड्स यहां पे देखो तो मैंने एक यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी यूज किया लेंथ का, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया टाइम, दो अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी कंबाइन होके एक नई क्वांटिटी बनी, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। और यहां के एग्जाम्पल में है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज व्हाट, तो वेलोसिटी इज अ डिराइव। जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते, वो खुद एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जब डिराइव क्वांटिटी बात करें तो हम लोग उसको यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय 1/टाइम ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। वी कैन फर्दर डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके
उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव क्वांटिटी। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट्स? सो फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, आपकी खुद की उसकी आइडेंटिटी है, ओके? जिसको हम लोग बोलेंगे बेसिक क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसके पास खुद की अपनी आइडेंटिटी है। से फॉर एग्जाम्पल लेंथ, लेंथ इज अ लेंथ, उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। द यूनिट्स इन विच दिस क्वांटिटी आर मेजर इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू अदर सिंपलर फॉर्म, हम उसको अदर सिंपलर फॉर्म में रिजोल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ही एक सिंपलर फॉर्म है। इन इंजीनियरिंग साइंस द क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, दीज आर कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग बात करें डिराइव क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी हम लोग किसको बोलेंगे? सो डिराइव क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के संदर्भ में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज लेंथ अपॉन टाइम। सो लेंथ इज वन फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी। दो फंडामेंटल क्वांटिटी इकट्ठा होके नई एक क्वांटिटी बनी वेलोसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। फ्रेंड्स, जो मैंने चार आपको बताई, लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो बढ़ नहीं सकती। लेकिन जब हम लोग डिराइव क्वांटिटी की बात करेंगे, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी, लाइक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, देन डेंसिटी हो गया, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोल सकते हैं। अगर डिराइव यूनिट्स की बात करें, द यूनिट्स इन विच दिस क्वांटिटीज आर मेजर्ड इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। डिराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूनिट यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। द डिराइव यूनिट्स आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव यूनिट कहां से होगा? तो वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होगा। द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज लाइक स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं, स्पीड इज अ डिराइव क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ डिराइव क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ डिराइव क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज अ डिराइव क्वांटिटी। अगर मैं यहां पे बात करूं कि देयर आर वेरियस अदर डिराइव क्वांटिटी लाइक फोर्स, लाइक प्रेशर, लाइक वॉल्यूम, लाइक डेंसिटी, मतलब यहाँ पे देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिराइव क्वांटिटी, और वो कहाँ से बेसिकली आएगी? तो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके वो क्वांटिटी बनेगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। अगर यूनिट्स की बात करें, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए देर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द मिनिमम नंबर, according to requirement of them, different system of units have come in existence at different times. अलग अलग time पे अलग अलग system of unit है वो existence में आई। दूसरा, हम लोग अगर उसको differentiate करें, in India we are using MKS and CGS system of units। हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं मुझे 50 kg material चाहिए। अगर यही चीज हम लोग यूके में जाए और अमेरिका में जाके बोले मुझे 50 kg एप्पल चाहिए, उनको पता नहीं चलेगा व्हाट इज केजी। दे आर यूजिंग पाउंड, वहां पे मास को मेजर करने के लिए वो लोग पाउंड यूज करते हैं। हम लोग जैसे गाड़ी में घूमते हैं तो हमारा जो स्पीडोमीटर है वहां पे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं वहां से वहां गया और मेरी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन इन अमेरिका, इन यूके, वहां पे किलोमीटर पर आवर स्पीडोमीटर में नहीं होता, वहां पे होता है माइल्स पर आवर। नाउ फ्रेंड्स, ये तो मैंने छोटा सा एक एग्जांपल दिया। वहां पे पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहां पे वो लोग भरते हैं गैलन में, हम लोग यहाँ पे भरवाते हैं लीटर में। तो इन ए डेली लाइफ अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है वो यूज होती है। सबसे पहले जो इवॉल्व हुई वो है फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट।
उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम भी बोल सकते हैं। अब सीजीएस ये वर्ड कहां से आया, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया देर आर फोर फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन हम लोग यहां पे बात करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम की। मास को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो यहां पे होगा ग्राम, लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो सेंटीमीटर, और टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो सेकंड। यानी कि मेरा जो वर्ड आया सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, लेकिन वो यूनिट बेसिक क्वांटिटी का है, लेंथ, मास एंड टाइम। सेकंड सिस्टम के बारे में अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ओके, वहां पे मास, लेंथ एंड टाइम उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे, माउस के लिए यूज करेंगे पाउंड, लेंथ के लिए यूज करेंगे फिट, और टाइम के लिए यूज करेंगे हम लोग सेकंड। तो यहां पे अगर हम लोग बोले तो फिट, पाउंड एंड सेकंड, विच इज अ ब्रिटिश सिस्टम एंड इन अ शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एज अ एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। उसके बाद फ्रेंड्स एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहां पे फ्रेंड्स अगर बात करें तो लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे केजी में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, इसलिए हम उसको बोलेंगे एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे एसआई सिस्टम की। एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल, नाम में ही लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, इट्स ए यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब आज अगर आप देखोगे तो पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग लिटरेचर, इंजीनियरिंग कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग पब्लिकेशन, इंजीनियरिंग बुक्स, इंजीनियरिंग डिजाइन, वो सारी जगह पे दे आर यूजिंग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एसआई सिस्टम इज नथिंग बट इम्प्रूव वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट का इम्प्रूव वर्जन है। ऐसा क्यों है मैं भी आपको दिखाऊंगा। इन ए नटसेल जो भी अभी हमने पढ़ा डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में, उसको मैं अगर आपको सामने समराइज करूं तो आई कैन शो यू वन टेबल। सो हियर द लिस्टिंग इज द फर्स्ट कॉलम इज अ सिस्टम, यहां पे एक फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, दूसरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोलेंगे मास, तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। ओके, यहां पे सिस्टम की बात करें सीजीएस, सीजीएस तो लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, फाइनली मेरा जो वर्ड है सीजीएस। सिमिलरली यहां पे दूसरी सिस्टम उसको बोलेंगे एफपीएस, तो यहां पे होगा फीट, यहां पे होगा पाउंड, यहां पे होगा सेकंड। थर्ड वन है एमकेएस, तो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, टाइम को मेजर करेंगे हम लोग सेकंड में, उसको हम लोग बोलेंगे एमकेएस। उसके बाद एक और इंप्रूव वर्जन वहां पे आया, उसको हम लोग बोलेंगे एसआई, दैट इज नोन एज ए सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन यहां पे एसआई के अंदर जो लेंथ हम लोग मेजर करेंगे वो हम लोग मेजर करेंगे मीटर में, मास हम लोग मेजर करेंगे किलोग्राम में, और टाइम हम लोग मेजर करेंगे सेकंड। यहां पे दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो एमकेएस एंड एसआई दोनों के अंदर जो बेसिक क्वांटिटी है उसका यूनिट यहां पे सेम है, यानी कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एसआई इज अ इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हम लोग यहाँ पे हमारा सेशन एंड अप करते हैं। जो कवर किया हमने वो है व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डिराइव यूनिट, एंड फाइनली हमने देखा देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट लाइक एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप ये चैनल देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।